Girls, be prepared for your examination. It is in next week. Thank you, Miss. Thank you, girls. I'm going to check your notebooks next Monday. मुझे डाउट है, मैं मैम से पूछ के आती हूँ। Oh my God, अब मैं कैसे पढ़ूंगी? मेरी बुक तो इनकम्प्लीट है। नहीं पढ़ूंगी तो फेल हो जाऊंगी, और फेल हो गई तो मम्मी डैडी और टीचर को भी तो बुक दिखानी है। ओह नो। मैं अनुष्का के तो बुक लेके गई, मेरी पूरी पढ़ाई हो गई, पर मैंने ये सोचा ही नहीं कि अनुष्का कैसे पढ़ रही होंगी। मैंने सिर्फ खुद का सोच लिया। गर्ल्स, सबमिट योर बुक्स। मैम, ये मेरा बुक है और ये अनुष्का का। अनुष्का की नोटबुक? अनुष्का ने तो नोटबुक सबमिट कर दी। मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बुक इनकम्प्लीट थी, इसलिए मैंने बिना बताए अनुष्का से बैग से उसकी बुक ले ली। दैट मीन्स तुमने नोटबुक चुराई। चलो बैठ जाओ, क्लास खत्म होने के बाद मुझे मिलो। I'm sorry, ma'am. मुझे तो थोड़ी बुक कंप्लीट करनी थी, लेकिन अनुष्का ने दूसरी बुक बना के कंप्लीट की। अगर मैं थोड़ी मेहनत कर ली होती तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने मेरी बुक चुराई? तुमने? तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान हो गई थी? मैंने सारा घर छान मारा। आई एम रियली सॉरी अनुष्का, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो ना। मैं जब उसके साथ गुस्सा थी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे दादाजी की कही हुई बात याद आ गई। दादाजी कहते हैं, अगर कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करे या हमें तकलीफ पहुंचाए या हमारा गलत फायदा उठाए, फिर भी हमें उसे माफ कर देना चाहिए। चल, मैंने माफ कर लिया। आज तक मैंने बहुत गलतियां की। मेरे माता पिता ने मुझे सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं करती रही। लेकिन आज अनुष्का ने मुझे ये माफ करके एहसास दिलाया है कि मुझे किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। Forgiveness means the act of forgiving. I wanted to push. I wanted to shout at her. I will hit you. He started hitting stones. I remembered Dada and forgive her. I forgave her. Forgiveness does not change the past, but did that allow the future. Forgive and forgive.